नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पकौड़े की कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। 3-4 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च, धनिया पाउडर और ये बेसन एक पकौड़े के लिए और एक कढ़ी के लिए, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा शुगर 1 चम्मच, थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, मेथी दाना, जीरा और 2 लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची है, 1/2 किलो मठा लिया है। हमने मलाईसी मठा निकाला है तो इसलिए हमने मठा लिया है। अगर आपके पास मठा नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे बेसन, धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है बड़े चम्मच में, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर। ये हमने लाल मिर्ची पाउडर घर में बनाया है, अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप बाजार वाला भी ले सकते हैं। और इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। मिक्स हो गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। ये पकौड़े के लिए हमारा घोल बन करके तैयार हो गया है। हमने इसको हाथ से घोल लिया है इस तरीके से। तो ये देखिए इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला इसका घोल नहीं होता है, तभी हमारे पकौड़े अच्छे बनेंगे। अब इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। गैस के कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया है, गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें पकौड़े तोड़ेंगे। तो आप चाहे तो चम्मच से भी पकौड़े डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं हाथों से डाल रही हूँ इस तरीके से। और गैस को मंदी कर देंगे, अब इनको पलट लेंगे और गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे। पकौड़े हमारे पक चुके हैं, गैस को बंद कर देंगे और इन्हें निकाल देंगे एक प्लेट में इस तरीके से, और साइड में कर लेंगे ताकि इसका जो तेल है पूरा इसी कढ़ाई में निकल जाए। फिर हम डाल देंगे बेसन और थोड़ा थोड़ा मठा डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे इस तरीके से। ये देखिए घोल हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। हमने इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड किया है और जो इसमें मठा था वो भी हमने पूरा डाल दिया है इसी में। चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ी बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई रख दी है गैस पे और तेल डाल दिया है 1 चम्मच। गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम ये लहसुन 5-6 कलियां जो हमने छील करके रखी थी वो, जीरा, मेथी दाना और हींग, इन सबको डाल करके इस तरीके से मिला लेंगे। गैस को थोड़ा सा मंदी कर देंगे और ये हरी मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च साबुत, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर, और अब डाल देंगे ये जो हमने बेसन का घोल तैयार करके रखा था। गैस को तेज कर देंगे और कढ़ी को अच्छे से पका लेंगे। अब डाल देंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार, हमने 1 चम्मच नमक लिया है। ये देखिए 5 मिनट हो गया है कढ़ी को पकते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे शुगर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए इसको। ये देखिए कढ़ी हमारी पूरी पक चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़े जो हमने तल करके रखे हैं और इसे भी पकने देंगे। इससे पहले मैं रसाज की और लौकी के कोफ्ते की कढ़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर उसमें चेक कर सकते हैं। अब हम इसे मध्य गैस पे थोड़ा सा पकने देंगे और इसे ढक देंगे इस तरीके से। देखिए थोड़ी देर हो गई है तो हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। तो हम गैस को बंद कर देंगे, चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी पकौड़े की कढ़ी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।